अब एक्सट्रूड मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए मुझे आना पड़ेगा मॉडिफायर पैनल पे। मैं मॉडिफायर पैनल पे आता हूँ और मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बॉक्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैं मॉडिफायर पैनल पे जाकर ई प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक्सट्रूड मॉडिफायर दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये होता इसलिए है कि एक्सट्रूड मॉडिफायर आपका सिर्फ स्प्लाइन जैसे ऑब्जेक्ट पर काम करता है। एक्सट्रूड मॉडिफायर और एडिटेबल पॉली में से जाकर एक्सट्रूड को यूज़ करना किसी पर्टिकुलर फेस के ऊपर दोनों अलग अलग चीज़ है। ओके, तो एक्सट्रूड मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक ये रेक्टेंगुलर वाले स्प्लाइन को यूज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मॉडिफायर पैनल पे आता हूँ। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं एक स्प्लाइन को एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ तो वो उस पर कुछ एक्सट्रूड अप्लाई कर देता है और यहाँ पर मुझे पैरामीटर्स में कुछ सेटिंग्स मिल जाती है। मैं यहाँ से इसका अमाउंट बढ़ा सकता हूँ, मुझे इसको कितना एक्सट्रूड करना है ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में। ओके, इसमें मुझे कितने सेगमेंट्स अप्लाई करने हैं, मुझे सेगमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है और मुझे इसमें कैप ऊपर या नीचे की साइड में जो इसका फेस है तो उसमें कैप रखना है या नहीं, तो वो उसका भी ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल जाता है। कैप रखना है तो मैं इसे चेक करूँगा, अगर नहीं रखना है तो अनचेक कर दूँगा। और ऊपर की साइड में भी मुझे यहाँ पर कैप एंड मिलता है।